उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने के लिए मुंबई में उद्योगपतियों से मिलेंगे सीएम योगी। 2 दिसंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड की करेंगे लॉन्चिंग। ऐसा करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निकाय बना। बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से होंगे प्रस्तावित फिल्म सिटी पर चर्चा। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष स्टोरी। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को देश की आर्थिक राजधानी और माया नगरी मुंबई में होंगे। ये तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कई बार मुंबई जाना हुआ, पर यह वो दूसरा मौका होगा जब वे देश के दिग्गज उद्योगपतियों और बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से मिलेंगे। इससे पहले इस मकसद से मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद दिसंबर 2017 में वह उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में संबंधित लोगों से मिलने और आमंत्रित करने मुंबई गए थे। दरअसल मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट होना था। उसके पहले देश के प्रमुख महानगरों में सेक्टर्स को फोकस करते हुए रोड शो हुए थे। मुंबई के रोड शो में योगी खुद गए थे। उस समय उनसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा समेत आदि से उनकी मुलाकात हुई थी। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में भी इनमें से अधिकांश आए थे। उस दौरान करीब 4,52,000 करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर दस्तखत हुए थे। इसके बाद हुए दो बार के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान अब तक 2,00,000 करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर उतारे जा चुके हैं। यह प्रक्रिया लगातार जारी है। योगी की अगुवाई में तेजी से हो रहा बदलाव उत्तर प्रदेश। तब से अब तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत कुछ बदल चुका है। नोएडा में देश की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी एवं फाइनेंस सिटी, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे, अलग अलग महानगरों में मेट्रो का विस्तार, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने और अयोध्या के कायाकल्प के साथ आने वाले वर्षों में प्रदेश में बहुत कुछ बदल जाएगा। निवेशकों को भाने लगा उत्तर प्रदेश, कोरोना में भी जारी रही तरक्की की रफ्तार। इन तमाम प्रयासों के साथ निवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का नतीजा भी दिखने लगा है। कुछ महीने पहले जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 10 अंकों की छलांग के साथ देश में दूसरे नंबर पर आ गया। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी प्रदेश सरकार की इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नीतियों के नाते देश विदेश की 52 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में 45,000 करोड़ रुपए के निवेश में रुचि दिखाई। यही नहीं, इस दौरान बैंकों में समन्वय कर 6,46,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को 20,000 करोड़ रुपए का ऋण देकर चलवाया गया। लॉकडाउन के नाते करीब 45,00,000 श्रमिकों की दूसरे प्रदेशों से वापसी हुई। सरकार ने न केवल सबकी सुरक्षित और सम्मान वापसी सुनिश्चित कराई, बल्कि इनको राशन किट और भरण पोषण भत्ते के रूप में 1,000 रुपये भी दिया। इनमें से करीब 25,00,000 लोगों को उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मुहैया कराया गया। स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री उद्योग और फिल्म जगत की नामचीन हस्तियों से मुलाकात के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे उत्तर प्रदेश को हर लिहाज से देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में और निवेश के लिए भी आमंत्रित करेंगे। बैंकर से मुलाकात में तय होगी फाइनेंस सिटी की रूपरेखा। मुख्यमंत्री 1 दिसंबर को मुंबई पहुंच जाएंगे। 2 दिसंबर को सुबह वह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को प्रतीकात्मक रूप से लॉन्च करेंगे। मालूम हो कि हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने प्रदेश की राजधानी को हर लिहाज, विकास, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई आदि से स्मार्ट बनाने के लिए 200 करोड़ का बॉन्ड जारी किया था। कोविड काल में भी सरकार पर भरोसा कर निवेशकों ने इसे हाथों हाथ लिया। नतीजन यह 225% से अधिक सब्सक्राइब हुआ है। इस तरह का बॉन्ड जारी करने वाला लखनऊ उत्तर भारत का पहला नगर निगम है। इससे उत्साहित सरकार आने वाले समय में सरकार गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा जैसे बड़े नगर निकायों का बॉन्ड भी जारी करेगी। मुख्यमंत्री इसके बाद नरीमन पॉइंट स्थित होटल ट्राइडेंट में देश के दिग्गज उद्योगपतियों, बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों और बड़े बैंकर्स से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में प्रदेश में निवेश, प्रस्तावित फिल्म और फाइनेंस सिटी पर चर्चा होगी। दिग्गजों से होगी मुख्यमंत्री की मुलाकात।
एन चंद्रशेखरन चेयरमैन टाटा सन्स, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी चेयरमैन हीरानंदानी ग्रुप, एस एन सुब्रमण्यम चेयरमैन LNT, संजय नायर चेयरमैन KKR इंडिया एडवाइजर्स, सुप्रकाश चौधरी CEO सिम्स इंडस्ट्री, बाबा कल्याणी चेयरमैन भारत फोर्ज लिमिटेड जसपाल बिंद्रा, चेयरमैन सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड अमित नायर, वाइस प्रेसिडेंट 197 कम्युनिकेशन विकास जैन AK कैपिटल सर्विसेज, वरुण कौशिक एसोसिएट डायरेक्टर AK कैपिटल सर्विसेज के अलावा डिफेंस सेक्टर के नामी उद्यमी SP शुक्ल चेयरमैन FICCI डिफेंस एंड एरोस्पेस कमिटी, सुकरण सिंह CEO व MD टाटा एडवांस सिस्टम, सुशील कुमार AVP व हेड गवर्नमेंट इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट टाटा टेक्नोलॉजी, हर्षवर्धन गुने हेड डिफेंस टाटा टेक्नोलॉजी, अशोक वाधवान चेयरमैन PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, TS दरबारी CEO व MD टेक्स मैको डिफेंस सिस्टम, आशीष राजवंश हेड डिफेंस अडानी डिफेंस, रजत गुप्ता हेड डिफेंस बिजनेस अशोक लेलैंड, कर्नल RS भाटिया रिटायर्ड प्रेसिडेंट डिफेंस भारत फोर JD पाटिल होल टाइम डायरेक्टर व मेंबर ऑफ बोर्ड LNT, विजय सुजान CEO GNV वेंचर्स इंडिया, फिल्म जगत से आनंद पंडित, मनमोहन सेठी, बोनी कपूर और सुभाष घई आदि।